कि मेरा बचपना याद आ गया। हम भी कभी इस तरह से गांव में हाफ पैंट पहन के और बच्चों के हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं धोती फॉल, जिसका नया नाम रुंझुनिया फॉल है। ये आपका मैक्लूस्कीगंज से 14 से 15 किलोमीटर के दायरे में पड़ता है। ये चंदवा लातेहार जिला में आ जाता है, पर लोग मैक्लूस्कीगंज ही बोलते हैं। तो देखिए, हम निकल पड़े हैं उस जगह पे जाने के लिए। काफ़ी सुंदर, काफ़ी बढ़िया फॉल है। और जिस जगह से हम लोग गुजरेंगे, जिस रास्ते से गुजरेंगे, उस जगह का आपको रास्ता और जगह का लोकेशन बताते हुए चलेंगे। हमारे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर। और देखिए, हमारी मेरा बाइक मेरे साथ है, मेरी धन्नो। उस लोग आते हैं उस जगह को घूमने, उस जगह का नज़ारा, उस जगह की सुंदरता, उस जगह का खूबसूरती और उस जगह का पानी, जल प्रपात को देखने के लिए आते हैं। चलिए, तो हेलो दोस्तों, हम लोग निकल पड़े हैं रुंझुनिया फॉल के लिए, जिसका पुराना नाम पहले धोती फॉल बोलते थे। और ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर जगह में बसा हुआ है। इसके चारों ओर जंगल से घिरा हुआ है। ये फॉल काफ़ी बढ़िया और काफ़ी पुराना है। एक गांव से होते हुए ये फॉल बहुत ही सुंदर नज़ारा में जाके एक दृश्य बनता है उस जगह देखते हुए ही। सो देखिए, हम लोग ये आप मैक्लूस्कीगंज से आएंगे तो चंदवा वाले रास्ते में आपको आना पड़ेगा। और काफ़ी सुंदर जगह, काफ़ी बढ़िया जगह है। तो आप देखिए इस जगह का नज़ारा और दृश्य आपको कैसा लगता है। देखिए आपको रास्ते में कौन कौन सा जगह आएगा। अगर आप धोती फॉल आना चाहें या घूमना चाहें, आपको घूमने का मन करे, तो आपके रास्ते में क्या क्या आएगा। देखिए, ये बड़ा सा एक आपका स्मारक मिलेगा। और ये देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा मेरे हाथ के सामने, ये जब जितने भी हैं सब भगत हैं, टाना भगत हैं। और देखिए आपका, ये सब देश की आज़ादी के लिए इन्होंने 10 लोग हैं। और ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा 10 हैं इन्होंने, 10 ये 10 लोगों ने देश की लड़ाई के लिए जान दी थी। और इन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सहयोग दिया था। तो एक बार इन शहीदों के लिए सशस्त्र नमन है।
खूबसूरत ब्रिज है। एक समय में यहाँ पे चंदवा आने जाने वाले लोगों को बहुत तकलीफ और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, पर आज के डेट में ऐसा नहीं है। और ये पुल एक समय में बहुत डेंजर और बहुत ही खतरनाक था। इस जगह में बहुत ऐसे ऐसे हादसे हुए हैं जो काफ़ी लोगों को अपना जान से हाथ धोना पड़ा है। चंदवा आपका यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। देखिए अब यहाँ से लातेहार का सीमा शुरू हो जाता है, मैकलुतीगंज का सीमा खत्म हो गया इस जगह पे, और लातेहार का चंदवा का सीमा आपका शुरू हो जाता है इस जगह से। तो देखिए आप कभी भी आएँ तो इसी रास्ते से आएँ और धोती फॉल जाएँ या घूमें। बहुत जानकारी रखा है मैंने, बहुत दोस्तों के साथ आए। अरे इधर हवा भरा किधर है, लोग मकई रोड के किनारे ही सुखा देते हैं, जो काफ़ी राहगीर जो बाइक चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले के लिए घातक और खतरनाक हो सकता है। तो ऐसी गलती ना किया करें, रोड के किनारे मकई रोड के किनारे मत सुखाया कीजिए, क्योंकि कभी भी हादसा या धोखा का कारण बन सकता है इस जगह, या हो सकता है। मैंने हवा भरा है अच्छा आगे मिले बजाते पे लगता है ना। हाँ यहीं से घुसते हैं, यहाँ पर हर एक वर्ष यहाँ जाते हैं।
दोस्तों देखिए देखिए हम लोग फाइनली इस जगह पे पहुंच गए। देखिए रुनझुनिया झरना एवं चूना खारा झरना में आपका स्वागत है। तो चलिए हेलो दोस्तों, आपको रुनझुनिया फॉल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं अब रुनझुनिया फॉल, और रुनझुनिया फॉल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे सामने रास्ता किस तरह से है, देखिए काफ़ी डीप और काफ़ी गड्ढा में रास्ता है, और इस जगह का जंगल आप देखिए काफ़ी घना और काफ़ी बढ़िया है। पर शाम के लगभग 5:30 से 6 बजे बजने जा रहे हैं और हम शाम को इस जगह पे पहुँचे हैं। काफ़ी डर भी है, थोड़ा सा डरे सहमे समय उससे हुए हैं, और मुझे इस जगह पे नहीं आना चाहिए था अभी शाम के समय में। फिर भी मैंने इस जगह पे आने का मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो फाइनली अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए हमारे चेहरे में सूर्य का प्रकाश किस तरह से हमारे चेहरे में पड़ रहा है। सो हेलो दोस्तों, अब हम लोग नीचे जाते हैं। इस जगह का नज़ारा काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया है। सो हम लोग फाइनली अब फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कैसा फॉल है। जब हम आए हुए थे इससे पहले तो उस समय काफ़ी सूखा हुआ था इस जगह का। देखिए हमारा थोड़ा सा फोटो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर और नेचुरल तरीके से आ रहा है इस जगह का वीडियो। सो देखिए हम लोग अब पहुंच चुके हैं धोती फॉल। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए धोती फॉल में। सो इस जगह का देखते हैं कैसा दृश्य और कैसा नज़ारा है, क्योंकि काफ़ी आवाज़ आ रहा है पानी बहने का, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी बढ़िया होगा और हमारा एक्सपीरियंस भी इस जगह का अच्छा हो, और इस जगह से ज़रूर कुछ हम यादें समेट के ले जाएं। और इस जगह से मैंने एक बहुत पुराना पिक्चर भी इसी जगह पे आप देख रहे हैं, इसी जगह पे मैंने इस पत्थर के आसपास में ही अपने बच्चों का एक गर्मी के दिन में ही शूट किया था। सो मेरे पास पिक्चर है, और उस समय आए थे तो पूरा नदी सूखा पड़ा था, और काफ़ी सूखा होने के कारण मैं इस जगह पे ना घूम पाया ना मस्ती कर पाया। और देखिए आप हमारे पीछे का पत्थर का नज़ारा देखिए किस तरह से है। सो हमारे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से है, सुंदरता इसकी खूबसूरती आप देखिए। और देखिए काफ़ी शानदार और काफ़ी बढ़िया है इस जगह का पहाड़, आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है और कितना अच्छा झरना है। सो चलिए नीचे हम लोग अब चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सो फाइनली हम लोग अब धोती फॉल पहुँच चुके हैं, और हम कोशिश करते हैं कि इस जगह पे आए और वीडियो शूट करें। सो देखिए हमारे पीछे धोती फॉल, देखिए आवाज़ कितना आ रहा है इस जगह से। सो देखिए दोस्तों हम इस नज़ारे में इस जगह पे पहुंच चुके हैं फाइनली, और देखिए हमारे सामने कितना सुंदर झरना है, फॉल है, और हमारे चारों ओर जंगल और पहाड़, और हम झरने के बीच में खड़े हुए। देखिए हमारा जगह प्लेस, देखिए पानी, मुझे लग रहा है कि मैं कपड़ा खोलूं और इस जगह पे जंप मार दूं, पर ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि अभी शाम हो चुका है और मुझे नहाने का कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं इस जगह पर आऊँगा और नहाऊँगा। सो मैं इस जगह पर नहीं नहाने वाला हूँ, पर मुझे पानी देख के अंदर से नहाने का मन कर रहा है, और पानी का आप धार देखें कितना तेज और कितना आवाज़ आ रहा है इस जगह से। सो फाइनली बहुत ही मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कभी भी आए तो इस जगह पे ज़रूर घूमें, ज़रूर देखें इस जगह का दृश्य, और पिकनिक मनाने आप अवश्य आए इस जगह पे। और इस बार भी हम अपने फैमिली के साथ आने वाले हैं इस जगह पे फॉल पे। सो देखिए इस जगह का सुंदरता, अब सुंदर पानी, सुंदर पहाड़, देखिए पत्थर का कटिंग किस तरह से है। मैं आपको ले चलता हूँ नीचे की ओर, और ऊपर से आपको झरना दिखाने का कोशिश करता हूँ। सो देखिए अब यस, अभी डोडो रिवा आती है तो काफ़ी मज़ा आता। देखिए इस जगह का झरना का नज़ारा, और मुझे लगता है कि इस जगह पे नहाने का अच्छा चांस मैंने खो दिया। इस जगह का सुंदरता और नज़ारा देख सकते हैं कि कितना सुंदर और काफ़ी बढ़िया जगह। देखिए इस जगह का फॉल का नज़ारा, देखिए पानी किस तरह से ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, और कितना बढ़िया नज़ारा लग रहा है। पीछे देख सकते हैं फॉल को, कितना सुंदर और कितना बढ़िया वाइट पानी का जो धार गिर रहा है, वाइट लग रहा है। और देखिए इधर से भी पानी बहते हुए आ रहा है, देखिए कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। इस जगह पर मुझे लग रहा है कि एक
ओहो, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं और काफ़ी मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है। सो मुझे इस जगह पे कपड़ा लेके आना चाहिए था नहाने के लिए। और आप कभी भी ऐसे जगह पे जाएं तो सावधानी पूर्वक जाएं और अच्छे से उस जगह पे, अच्छे से उस जगह के बारे में जान लें कि जगह कैसा है, नहाने लायक है कि नहीं है, गड्ढा कितना है, क्या है, तभी आप सावधानी पूर्वक नहाएं, अन्यथा नहीं नहाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नए जगह पे आना और इस तरह से मजाक और हंसी खेल के दोस्तों के साथ मस्ती करना और कुछ ऐसा कर जाना कि दिक्कत का सामना हो सके। देखिए, ये आपको पानी दिख रहा है, काफ़ी गहरा और काफ़ी गड्ढा है, क्योंकि आपको देखने में लग रहा है जहाँ पे भी पानी आप गहरा कितना है, आप पानी के कलर से ही पता लगा सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। पानी आपका हरा कलर, ग्रीन कलर का लगे तो आप समझ जाइए कि पानी काफ़ी गहरा है। तो आप ऐसे जगह में तैरने ना आए, तो आप बिल्कुल ना जंप लगाएं, बिल्कुल ना तैरें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पत्थर में आप जंप लगाएं किसी तरह से आपको चोट लग जाए, आप घायल हो जाएं, तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे जगह में आएं तो हमेशा सावधानी पूर्वक आएं और सावधानी पूर्वक ही अपने फ्रेंड के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती करें, जो हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा और अच्छी बात है। देखिए हमारे, मुझे लगता है कि मुझे यहीं से खड़े खड़े होकर वीडियो बनाना चाहिए और इस जगह को दिखाना चाहिए। तो देखिए, आप कभी भी आए तो काफ़ी, ये प्लेन पत्थर है, पत्थर जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी मुलायम और प्लेन है। तो आप इस जगह में अपने फैमिली के साथ आएँ, आराम से आपको उतरने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा इस जगह से। और मैं अपने भाई को ये वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे इस गर्मी के दिन में उसे लेके आया था इस जगह पे और काफ़ी सूखा हुआ था, तो वो मुझे बहुत गुस्सा मुझ पर कर रहा था और बोलने लगा, भैया कहाँ कहाँ ले आते हैं, आपको कुछ जानकारी नहीं रहता है। पर ये मैंने, मेरी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने इसका वीडियो मैंने देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार लगा, तो मुझे लगा कि इस बार आना चाहिए था और वीडियो के माध्यम से अपने भाई को बताना चाहिए था। और आप भी देखें कि काफ़ी अच्छा और सुंदर जगह है, तो देखिए इस जगह का सुंदरता, और वो मुझ पर गुस्सा होकर चला गया। तो देखिए इस जगह का पहाड़ और चढ़ने का देखिए रास्ता। तो चलिए हम आपको इस जगह से आगे की ओर ले चलते हैं, देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और इस जगह पर लोग देखिए, हमारे पीछे का फॉल, ये रहा द्रुंजनिया फॉल। ये हमारे पीछे का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर और बढ़िया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ झारखंड का फल के बारे में, इस चीज़ को। ये प्रकृति द्वारा
ये जो फल है प्रकृति का फल है और ये प्योर शुद्ध और ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है। आप अगर दिखाई दे आपको जंगल में कभी भी, तो आप इसे आराम से प्रेम पूर्वक तोड़े और इसे आप खा सकते हैं, क्योंकि इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट या किसी तरह से कुछ नहीं होने वाला है। इसको आप, इसको गांव में इसको लोग बोलते हैं ढठोर फल को। ये क्या काफ़ी अच्छा है। तो मैं काफ़ी शौक़ रखता हूँ घूमने का, नदी नाला पहाड़ पर्वत, मुझे काफ़ी मज़ा आता है नई नई जगह जाना, घूमना, नए नए लोगों से मिलना, उनके बारे में जानना, और मैं काफ़ी इंटरेस्ट रखता हूँ सब चीज़ों पे, और मैं जीवन में भी आगे यही करना चाहता हूँ और मैं उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। आपको नींबू जैसा पत्ता दिखाई दे रहा होगा इसका, पर इसको बोलते हैं कनौद, और इसका फल काफ़ी स्वादिष्ट और मीठा होता है, और मैं इस जगह से अच्छी यादें लेके जा रहा हूँ, और अच्छी यादें ये लेके जा रहा हूँ कि जीवन में हमेशा इस झरने की धार की तरह हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहना है, चाहे जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, पर जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है और हमेशा आगे चलते रहना है, और लोगों को भी, लोगों का भी प्यास बुझाना है, और लोगों की प्यास बुझाते हुए जीवन पथ पे आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ से एक अच्छी यादें मैं लेके जा रहा हूँ समेट के अपने दिल पे। सो काफ़ी अच्छा लगा इस जगह में घूम के दोस्तों, काफ़ी मज़ा आया, और अगर आप इस जगह पे घूमना चाहते हैं तो आप घूमने आ सकते हैं, काफ़ी सुंदर और अच्छा जगह है। सो देखिए हम लोग फाइनली अब इस जगह से निकल चुके हैं और हम अब घर की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो काफी मजा आया और काफी अच्छा लगा। सो देखिए एक गांव से गुजर रहे थे, तो बच्चे 4-5 बच्चे थे, वो मकई पका के किस तरह से देखिए खा रहे थे, और मुझे भी देख के, इनको देख के मेरा बचपना याद आ गया। हम भी कभी इस तरह से गांव में हाफ पैंट पहन के और बच्चों के साथ ऐसे मस्ती क्या करते थे, नदी में नहाते थे, इसी तरह से देखिए। हाय कर दो बच्चों। सो बच्चों से थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं। कौन सा क्लास में पढ़ते हो बाबू? दूसरा क्लास में पढ़ता है। और तुम कौन सा पढ़ा? नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं जाता पढ़ने? पढ़ने जाया करो, ठीक है, पढ़ना अच्छा बात है। जाएगा ना स्कूल? जाओगे कि नहीं? गाय चराओ, बैल चराओ, भले जो भी चराना चराओ, काम करो हर काम, मगर पढ़ाई, पढ़ाई सबसे पहले, काम बाद में, ठीक है। और तुम कौन सा क्लास में पढ़ते हो? दूसरा में। तुम क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है बाबू तुम्हारा? क्या नाम है? सो देखिए बच्चे सब ये दूसरे क्लास में हैं, दो क्लास में पढ़ते हैं, और एक बच्चा पढ़ाई नहीं करता है। तो स्कूल जाओगे? ठीक है स्कूल जाना, ठीक है, जाओगे कि नहीं? देख के देखो इधर वीडियो में, बोलो देख के कि जाएंगे, बोलो बोलो जाएंगे। हाँ पढ़ाई करना अच्छा बात है ना। तो देखिए किस तरह से बच्चे इस जगह पे, देखिए बगल में भुट्टा का पेड़ है और बच्चे लोग उस जगह से तोड़े हैं और यहाँ पे आग जला के पका के खा रहे हैं, और देखिए कितना मज़ा और मस्ती से खा रहे हैं। बचपना वाकई में एक खूबसूरत पल होता है जो हम लोग मिस कर दिए हैं अपना बचपना, और हम लोग बचपना छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, और मुझे लगा कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती करना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके, तो एक बार बाय कर दो सब कोई। तो तुम लोग से मिल के बहुत अच्छा लगा, तुम लोग मकई खिलाया, देखिए बच्चों ने मुझे मकई दिया है मक्का खाने के लिए, तो थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय कर दो एक बार, हाथ हिला दो, चलो बहुत बढ़िया। तो चलो ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है निकलते हैं ना, चलो बाय बाय बाय, जाइए आप लोग। एक नंबर जगह इधर ही लगवा सकते हैं। सो दोस्तों आपको कैसा लगा इस जगह पे, आप कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, कमेंट करें, और मैं नेक्स्ट वीडियो कल फिर से लेके आऊँगा आपके सामने। सो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।